हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान सुनता है मन भर और ज्ञान देता है तन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। कि किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई बच्चों ने मेरे को एक जनरल सी क्वेरीज पूछी है कि सर हमारे ये रैंक है और हमारे ये रैंक है तो हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए या फिर हमें स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपका सारा डाउट क्लियर कर देता हूं कि कौन किस बच्चे को कहां पे जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सारे बच्चों को ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए। पहला रूल ये है कि आप सभी बच्चे, चाहे आपके कोई सी भी रैंक हो, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। पर फिर भी अगर आप ये बोल रहे हो कि हम ज्यादा काउंसलिंग के झमेले में पढ़ने नहीं वाले, हमें ये मोटा मोटा आइडिया मिल जाना चाहिए कि हमें स्टेट काउंसलिंग करवानी है या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी है। तो देखो, एक एक बात सुनो कि नीट काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में जाए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाए। तो कभी लगता है कि जाओ, कोई बोलता है जाओ, कोई बोलता मत जाओ, कोई बोलता जाओ, कोई बोलता मत जाओ। पर मैं बोलता हूँ कहाँ कहाँ पे जाओ, कहाँ कहाँ पे मत जाओ। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। 1-2% स्टूडेंट, स्टेट की बात कर लेते हैं, एक किसी स्टेट को पकड़ लेते हैं कि 1-2% स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग में उनको नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी रैंक कहां से कहां तक जा रही है, अगर आपकी रैंक है 28,000 to 38,000 रैंक अगर आपके ऑल इंडिया में है तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए। ये कौन से स्टेट की बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा स्टेट जिसमें इस रैंक पे स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे मैंने कुछ स्टेट सेलेक्ट करे हैं जिनमें आपको लो रैंक पे, मतलब इस रैंक पे, हाई रैंक पे 28,000 पे और 38,000 पे आपको स्टेट से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए। 1-2% स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, फिर भी मैं इन्हें बोलूंगा कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आप सबको ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए। फिर भी देखो, कई स्टेट ऐसे जिनमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, दिल्ली, इन सब स्टेट में काउंसलिंग बहुत ज्यादा हाई रहती है। ऐसे बच्चों को हमेशा हमेशा ऑल इंडिया काउंसलिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टेट काउंसलिंग तो करना ही करना है, लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में इन बच्चों को जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आपकी रैंक यार फर्स्ट रैंक से लेकर 13,500 रैंक है, अगर मैंने एक छोटा सा आइडिया लगाया कि एक रैंक से लेकर 13,500 रैंक तक अगर आपकी रैंक है तो आपको ऑल इंडिया एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, सुनते जाना, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपके स्टेट में, आज जैसे मान लेता हूं मैं राजस्थान की बात करूं या फिर यूपी की बात करूं या फिर दिल्ली की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली की बात कर लेता हूँ कि दिल्ली में आपके साथ में क्या हो रहा है। दिल्ली में आपको टॉप का मेडिकल कॉलेज मान लेता हूँ मैं, एम्स दिल्ली मिल रहा है, उसके बाद में आपको मौलाना आजाद मिल रहा है। ऐसे केस में क्या हो रहा है, देखो आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपका टॉप का मेडिकल कॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप ऑल इंडिया कोटा से जाओ चाहे स्टेट कोटा से जाओ, अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ दिल्ली में वो दोनों मेडिकल कॉलेज नहीं है और वो मेडिकल कॉलेज है साउथ में, तब आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में से कम टॉप के मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए ना। तो इस रैंक में अगर आपकी रैंक है तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके स्टेट की जो टॉप का मेडिकल कॉलेज है उसकी ऑल इंडिया रैंक बहुत लो है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं टॉप के मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए यहाँ पे आपकी रैंक घूम रही है। तो यहाँ के बच्चे, सारे बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आपका स्टेट का मेडिकल कॉलेज कैसा भी हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाओ ताकि आपको अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सके। दूसरी बात, अगर आपकी रैंक 13,500 से 17,000-18,000 तक घूम रही है तो आपको स्टेट काउंसलिंग ज्यादा प्रीफर करनी चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी जाना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना चाहिए। स्टेट काउंसलिंग में ये बच्चे रह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई सा भी स्टेट हो, इस रैंक में आपको स्टेट की कॉलेज मिल जाएगी, तो आपको स्टेट ज्यादा प्रिफर करना चाहिए। कि अगर आपकी रैंक यहाँ तक है और आप बोल रहे कि हमें काउंसलिंग में ज्यादा झमेला नहीं चाहिए, तो ये रैंक वाले बच्चे स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग छोड़ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आपको फिर भी ऑल इंडिया काउंसलिंग करा देनी चाहिए। सुनो,
उसके बाद में अगर आपकी रैंक है 17,500 से ऊपर तो आपको कहीं पे भी रिस्क नहीं लेना है, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग अटेम्प्ट करना है। स्टेट काउंसलिंग में तो जाओगे जाओगे क्योंकि यहाँ पे आप यार कहीं ना कहीं बीच में फंसे। कई बच्चे बोले सर हमें 24,000 पे 25,000 पे 23,000 पे रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको लास्ट तक आपको 25,000 रैंक 26,000 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ दिखेगा। इस बार की काउंसलिंग मैं बता रहा हूँ इस रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज मिलता हुआ दिखेगा अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से करी है तो। इसलिए मैंने बार बार बोला है वीडियोस में कि काउंसलिंग या टेक्निकल प्रोसेस है, इसको आप बहुत ध्यान से करोगे तभी आपको आपके कम नंबर होने के बावजूद आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो टेक्निकल प्रोसेस में आपको बहुत ही ध्यान से गुजरना है। तो अगर आपके 17,500 रैंक से ज्यादा है और यहाँ तक आप पहुंच रहे हो तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। अब यहाँ वाले बच्चों को मैं स्टेट के लिए ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? क्यों यार, देखो अगर आपकी स्टेट में जो रैंक है वो बेटा जी क्या है कि 4,000 रैंक और 17,000 रैंक। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हो 4,000 वाले 4,000 रैंक वाले बच्चे को भी वही कॉलेज मिल रहा है और 17,000 वाले बच्चे को वही कॉलेज मिल रहा है। बाकी अगर आप 4,000 वाला बच्चा अगर यार 17,000 वाले बच्चे की रैंक की कॉलेज ही लेता है तो आपका इतना टॉप का रैंक लाने की फिर कोई फायदा नहीं हुआ आपको। मेरे हिसाब से इस रैंक के बच्चे को ऑल इंडिया में एक्सप्लोर करके अच्छा मेडिकल कॉलेज अटेम्प्ट करना चाहिए, स्टेट में लटका हुआ नहीं रहना चाहिए ये वाले बच्चे, क्योंकि इस रैंक के बीच में जो बच्चे हैं वो वाले बच्चे स्टेट में जा सकते हैं। अगर आपकी रैंक यार अच्छी रैंक है 4,000, 5,000, 3,000 ये रैंक है तो आपको ऑल इंडिया में बहुत सारे टॉप के मेडिकल कॉलेज अटेम्प्ट करनी चाहिए। इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर आपके स्टेट में 4,000 पे भी वही कॉलेज मिल रहा है 17,000 पे भी वही मिल रहा है तो यार क्यों ना ये बच्चा ऑल इंडिया में अच्छा इससे टॉप की रैंक का मेडिकल कॉलेज लेके MBBS करे। क्योंकि यार MBBS अच्छी मेडिकल कॉलेज से करने का फायदा ये है कि अच्छी मेडिकल कॉलेज क्यों है वो अच्छी, क्या वो दिखने में अच्छी है? दिखने में कोई मेडिकल कॉलेज अच्छी बुरी नहीं होती, मेडिकल कॉलेज होता है लेकिन वहाँ का जो टीचिंग का स्टाफ है उसकी फैसिलिटीज है वहाँ पे पेशेंट्स कितना आता है उस प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए आपको अच्छा से अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना है इस काउंसलिंग के थ्रू। अब देखो ये बोल रहा हूँ कि अगर यार देन यू मे एक्सप्लोर ऑन राइट वे, अगर आपकी रैंक यार यहाँ पे है ना तो आप अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पे जाके आपको मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए क्योंकि आपकी टॉप की रैंक है यार, आपकी आप टॉप की रैंक पे हो और आपका साथी एक इस रैंक पे है और आप दोनों सेम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपके साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए आपको ऑल इंडिया एक्सप्लोर करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि जनरल कैटेगरी EWS OBA OBC SC ST इन कौन कौन से बच्चों को ऑल इंडिया एक्सप्लोर करना चाहिए। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 17,500 रैंक से ज्यादा है, EWS में भी यही सीन है, OBC में भी यही सीन है, 17,500, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 ये रैंक है EWS जनरल OBC में तो आपको ऑल इंडिया एक्सप्लोर कर देना चाहिए, आपको ऑल इंडिया में जाना चाहिए। ऐसी कैटेगरी का बच्चा ये 75,000 रैंक से ज्यादा वाला बच्चा ऑल इंडिया एक्सप्लोर करेगा, इससे कम है तो आपको इससे कम आपकी रैंक है मतलब आपकी रैंक यहाँ पे यार 60,000, 55,000, 65,000 ये घूम रही है तो आपको स्टेट की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेशन लेना चाहिए था। और ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,00,000 से ज्यादा है तो आपको ऑल इंडिया एक्सप्लोर करना है। ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है, इसके बेसिस पे आप क्या करोगे काउंसलिंग का प्रोसीजर करोगे। फिर भी मैं लास्ट में आपको बोलता हूँ कि आपकी कैसी भी रैंक है आप बेस्ट प्रिफरेंस लिस्ट बनाएगा, चॉइस फिलिंग में सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भर दीजिएगा और टॉप की रैंक वाइज आपको मेडिकल कॉलेज भरना है ताकि जब MCC का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके रैंक के पास में आए तो आपको बेस्ट प्रिफरेंस लिस्ट के हिसाब से अच्छा मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड करा सके, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए सबसे पहले आपको प्रिफरेंस लिस्ट पहले से ही बना के रख लेनी है, टॉप के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए और उसी तरीके से भर देना है। क्योंकि टेक्निकल प्रोसेस में अगर आपने गलती करी है कि पिछले साल इस रैंक पे इस बच्चे को ये मेडिकल कॉलेज मिल गया था तो यार मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा आपके साथ में नाइंसाफी ये होगी कि यार मेडिकल कॉलेज मेरे को मिलना चाहिए था ये और मिल गया ये, और उसके बाद में आप अपग्रेड कराना चाहोगे तो अपग्रेडेशन कहीं पे भी नहीं होगा फिर, क्योंकि उस रैंक ने कि आपको पता है कि 625 नंबर वाले बच्चे को ये रैंक पिछले साल मिली थी तो इस रैंक के आसपास मेरी भी रैंक है तो मैं पहले नंबर पे यही बढ़ जाता हूँ, यार पहले नंबर पे वही पड़ती और वही मिल गई ना तो फिर आप अपग्रेड कहाँ पे करोगे? अपग्रेड तब होता है ना जब आपके ऊपर मेडिकल कॉलेज खाली आपने
आपने भरी थी लेकिन आपको नहीं मिली, इसलिए आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग में ध्यान रखिएगा, प्रिफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।